तो अभी आप देख रहे हो, ये सुबह का नहीं है, दोपहर का टाइम है और आज हम जा रहे हैं मार्केट भी नहीं बोल सकती क्योंकि मम्मी जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मतलब इनके ना बैक में पेन है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी क्या हुआ है। तो फिर मैंने कहा, इन्होंने बोला कि चलो चेकअप करवा लेते हैं क्योंकि आए हैं घर पे, तो चेक करवाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि ऐसे फिर गाड़ी की समस्या हो जाती है कि गाड़ी कौन चलाएगा, ड्राइवर कौन होगा। किसी मोड़ पर मिल, किस मोड़ पर है, किसी मोड़ पर मिल, चलिए अभी मैं आपका स्वागत कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सब मजे से होंगे। तो आज जैसे आपने देखा, हम आए हैं मार्केट में। मार्केट में क्या, मम्मी जी क्यों ना पीठ में दर्द हो रही है उनको, तो फिर उनको चेकअप एक्सरे वगैरह करवाना है हॉस्पिटल में। मेरी जेठानी और मम्मी जी उतरे हॉस्पिटल में। बाकी अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब सवाई के आसपास टाइम है अभी। तो अभी बीच में मम्मी जी की कॉल आ गई थी मेरी जेठानी की, तो उनके बैक में एक्चुअली क्या हुआ था कि मम्मी जी पहले गिर गए थे बहुत पहले की, जब सुबह 6 महीने की थी, तो उस टाइम उनको डिस्क की प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद अभी वो काम देखा अपनी बहुत करते हैं अभी भी, वजन वगैरह उठाने का भी, तो तब उनको अब बोल रहे हैं कि पीठ में ज़्यादा दर्द है, तो फिर इसलिए चेक करने का एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं, फिर उससे ऐसा है कि पता चल जाता है, तो इसलिए उनको हॉस्पिटल आए थे। और बाकी इनका भी नाक का वगैरह का चेकअप है। और अभी हमें जाना था, जैसे पहले हम जा रहे थे ऊपर पोस्ट ऑफिस में क्योंकि सुबह के अभी थे पैसे जमा करवाने को, अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि 2 बजे के बाद वो पैसे भी जमा नहीं हो पाते। पिछली बार भी हम ऐसे गए थे तो वो डिपॉजिट नहीं हो पाए थे, बस इसीलिए हम, मैंने कहा उसको निपटा लेते हैं फटाफट से फिर चलेंगे। तब तक मेरी जेठानी और पर्ची वगैरह बनवाएंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में। बाकी सुबह को भी हमें पकड़ना है तो सारे काम आज होंगे, उसके बाद देखेंगे अगर मार्केट चलना होगा तो मार्केट चलेंगे। लेकिन अभी शायद गए तो वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, लेकिन शायद ना हो वहाँ पे क्योंकि डॉक्टर वगैरह वहाँ पे ऐसा ही रहता है कि पता ही आपको सरकारी हॉस्पिटल का कमी होते हैं डॉक्टर वगैरह। ट्रैफिक देखो आप, कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। और अभी पति देव गए हैं बाहर पैसे निकालने ATM से, 2-3 ATM हमने देखे वहाँ पे, तो पता नहीं क्या ATM ही बंद है, क्या चक्कर है, लाइन लगी है, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है, पूरी लाइन लगी है पीछे तक, गाड़ियों के आगे भी लाइन लगी। क्या चबा रहे हो आप बताओ, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताओ जल्दी, खा रहे हो? आज मैंने वही सूट पहना है जो मैंने स्टिच किया था ना उस दिन, ये वाला वही वाला सूट है, ये स्टोर सारा कुछ गिरा पड़ा है। बताओ वो कौन है, वो कौन है पापा? आगे ट्रैफिक लाइट है, ग्रीन हो गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पैसे जमा करा के आ गए पापा। तो यहाँ पर ना सुबी के जो कान से दबाए थे तो उसको देख रहे थे, मैंने कहा गोल्ड के टॉपर्स वगैरह। तो जो आपने कान में देखे ना वही टॉपर्स हमने सुबह को ले लिए, क्योंकि बच्चों को ना सिर्फ मतलब तिलियां टाइप में हैं वो, जैसे नोज में पहनते हैं, तो हमने नग वाली नहीं ली, जैसे स्टोन वगैरह हो उसमें वैसी नहीं ली, सिंपल लिए गोल्ड के। इतनी सुंदर डक है। और इसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी अपनी जेठ जेठानी का घर। और यहाँ पे ना भूख लगी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, ये जैसे हम घर से निकले थे लगभग 12 बजे के आसपास हम निकले थे, लेकिन फिर उसके बाद हॉस्पिटल में भी जैसे टाइम लग गया, पति का देव का भी चेकअप था, बाकी मम्मी जी का भी चेकअप था, तो वो सब कुछ हो गया और उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक्सरे वगैरह भी करवाया, इसके बाद यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहीं पर ही आगे जेठानी ने अभी ये नया घर बना हुआ है। मतलब आप भी बोलोगे ना कि कितने घर है, कितने घर दिखाती है, नया नया घर बोलती रहती है। तो एक हमारा जो घर जहाँ पे बगीचे में जो आप देखते हो वो वाला हमारा पुराना घर है, उसके बाद सड़क के पास मेरे ससुर ने वो घर बनाया है, उसके बाद ये वाला जो घर है ना ये जमीन परचेज कर की है,
तो ये मार्केट में ही है, बस मार्केट यहाँ से 2 मिनट आपको मार्केट में लगेंगे जाने को। तो ये पूरा जो घर है ना वो रेंट के लिए बनाया है, जैसे ज़रूरत होती है किसी को स्कूल की, या हमारे यहाँ पर जैसे मैक्सिमम तो स्कूल के या कॉलेज इस वगैरह बहुत खुले हैं यहाँ पे, तो इसलिए रेंट के लिए बनाया हुआ पूरा। मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से, किसी महल से कम नहीं लगता ये घर, देखो अभी बना हुआ है, अभी पूरा इसका काम खत्म हो गया है, बस थोड़ा बहुत पेंट बचा है, बाकी इसका काम ऑलमोस्ट फिनिश है। पूरा आंगन वगैरह भी, बाउंड्री वगैरह भी, सब कुछ लग गई है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है। तो बस देखिए ये है एंट्रेंस, शुरू से आपको दिखेगा बाहर वुडन फिनिशिंग वाली टाइलें इसमें लगी हुई है। और या मैंने पति देव मीटर को देख रहे थे, और यहाँ से हम अंदर चलेंगे। अभी बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से बाहर से दिखता है, बाकी अंदर भी इसमें नीचे वाली जो स्टोरी है उसमें वन रूम सेट है। मतलब वन रूम सेट में क्या है, एक रूम है, बाकी जैसा ज्यूरी में था ना हमारे वैसा ही आपको दिखेगा, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। जैसे एक रूम होगा, बाकी एक किचन होगा, बाकी बाद साइड में बाथरूम होगा, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं अभी, यहाँ पे ना जो हमने मोमोज वगैरह भी मोमोज लिए थे, और बाकी हमने क्या लिया था यार, सिड्डू लिया था। सिड्डू मैंने पहले कभी नहीं खाया हुआ है हिमाचल रहते हुए भी, तो एक सिड्डू लिया था उनसे, और कुछ मोमोज लिए थे मैंने, कहा वो भी यहाँ पर ही खाएंगे। तो यहाँ पे बस काफ़ी टाइम हो गया, जैसे अंदर तो नहीं आए थे, यहाँ पे पहले देखा था, लेकिन अंदर टाइले वगैरह जब से यार पेंट वगैरह हुआ तब से नहीं देखा है। तो यहाँ पे अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये देखिए जाली भी यहाँ पे डबल जाली लगाई हुई है दरवाजों में, तो ये पूरा रेंट के लिए है। तो यहाँ पे आप जैसे ही अंदर जाते हो, वहाँ पे आपको एक रूम, इस साइड को एक रूम है ये वाला देखिए, और साथ में यहाँ पे देखिए बेड बॉक्स भी लगाए हैं, और जो अलमीरा है वो भी उन्होंने रखी है, कबर्ड वगैरह वो भी यहाँ पर रखे हैं, तो बना के दिए हैं मतलब। और बाकी इस साइड को किचन है, बाथरूम है, और इसे जब दूसरी साइड को आप जाते हो तो दूसरी साइड भी इसमें रूम है। और सबसे अच्छी बात है कि रूम में जो बालकनी है, यहाँ से बाहर आप निकलोगे तो बाहर आपको बालकनी मिलेगी, आपकी पर्सनल बालकनी वो होगी। तो इस तरह से बनाया, और पेंट देखिए कितना अच्छा किया है इसकी दीवार पे, एक 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 दीवार पे और है अलग अलग, मतलब इसका पेंट है, थीम भी बहुत अच्छी है। एक में मस्टर्ड आपको मिलेगा, दूसरी साइड इसमें हल्का सा ग्रीन कलर है, और बाकी यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह से दिखते हैं, बिल्कुल ओपन है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे घर की सीनरी भी इधर उधर आपको ग्रीनरी दिखेगी, तो एसी, और वहाँ पे देखिए सड़क से लोग भी घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी शाम हो गई थी इसलिए ज़्यादा आपको अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब उतना थोड़ा अंधेरा दिखेगा, वैसा अच्छा नहीं दिख पाएगा जितना रियलिटी में है। इस रूम से भी जैसे देखिए बाहर को निकलते हैं, बाहर आपकी पर्सनल बालकनी होगी, और वैसे ही सेट दूसरी तरफ को है। ये टू रूम दूसरा जो फ्लोर है उस पर 2 2 रूम सेट है, और उसके बाद ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें भी 2 2 रूम सेट है, और बाकी जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें 4 2 1 रूम सेट है, सॉरी 2 रूम नहीं 1 रूम सेट है। तो देखिए इस तरह से, और ये किचन है जो अंदर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद इधर ये बेडरूम है, और इधर को बाथरूम है। तो इस तरह से ये देखिए, इसमें दोनों तरफ को बालकनी है, जैसे इस तरफ को भी इस तरफ एक रूम है, आगे भी एक रूम है, और बीच में इस तरफ को किचन है, उस तरफ को बाथरूम है। ये हाँ सी एंट्रेंस। कर देंगे मुझे लगता है मम्मी। हाँ अभी यहाँ तो सारा गंद पड़ा हुआ है, ये 1 रूम सेट है, और एक बेड यहाँ पे बनाया है, साथ में कबर्ड भी है। ये किचन है, और ये बाथरूम। हाँ जी, तो इसके बाद अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पे लगी, जैसे वो मोमोज वगैरह भी खाए, सिड्डू वगैरह भी खाया, उसके बाद निकल रहे हैं। आगे एक डॉगी चला हुआ था तो उसके साथ उसे भी ठीक बातें। भाई तू जा अपने घर। दादा को ना पहले से एक कुत्ते से बहुत एलर्जी है, वो भी एक कुत्ता था जी जबरदस्ती ले आए, वो भी सिर्फ मेरे लिए। भाई तू घर मत चल, भाई तू घर मत चल, पीछे मत देख, देखो
देख ले, ए है प्रूफ, ए है प्रूफ कि घर पे कोई एक कुत्ता ऑलरेडी है, तू मत चल। देख देख दिखाया तुझे प्रूफ, अब जा। हाँ देखा, प्रूफ मांग रहा था। लो ताई जी प्रूफ मिल गया ना, अब जा रहे हैं हम घर। बाय। बंद रखा थोड़ी देर। सो फाइनली हम पहुंच गए थे घर में। घर में क्या, अभी नए घर में ही हैं और ये नेक्स्ट डे है। एक्चुअली कल भी हमने जाना था लेकिन कल भी हम नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे, बहुत लेट हो गए थे। आते आते अंधेरा हो गया था तो यहाँ पे भी कुछ क्लोजिंग वगैरह हुई नहीं थी, सामान वगैरह भी नहीं लेके गए थे। सुबह तो कल रोने ही बैठ गई कि आप कल कल करके कितने दिन आपने ऊपर कर लिया। और यहाँ पे दादी रोने बैठ रही थी ते करते आपने कितने दिन निकल गए, आप नहीं लेके जाते। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब कल पक्का ही है तो आज हमें जाना है। आज एक बैग पति देव पहले छोड़ के आ गई हैं सुबह, क्योंकि दूध भी हमारा वहां से आता है इधर, तो दूध जैसे पिताजी आधे रास्ते तक लाए थे और आधे रास्ते तक पति देव बैग लेके चले गए थे, तो वहां से ऊपर फिर पिताजी बैग ले गए। और बाकी अभी एक बैग है, बाकी बच्चों के स्कूल बैग है यहाँ पे, ज्यादा नहीं। जा कुछ कपड़े मैं गर्मियों को यहाँ भी रख रही हूँ क्योंकि हो सकता है जैसे अप्रैल से रेगुलर स्कूल लग जाए तब मुश्किल होगी वहां से अप डाउन करना, तो फिर यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सॉरी। और मम्मी जी को क्या बोला, उनके जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि उनके बैक में प्रॉब्लम थी पहले से ही, तो डिस्क की प्रॉब्लम थी उनको, अभी भी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो डॉक्टर ने बोला कुछ एक्सरसाइज वगैरह उनको बोला है, बाकी गर्म पानी से सेकने को भी बोला है और बाकी कुछ दवाइयाँ वगैरह भी दी है। अभी देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज बोला था उन्होंने, कुछ थेरेपी लेने को वो भी बोला है, वो भी देखना पड़ेगा। और बाकी पतिदेव को तो उनका तो जो सरकारी हॉस्पिटल में है उन्होंने, डॉक्टर ने तो बोला कि हड्डी बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं होती है और एलर्जी की दिक्कत है, ये पता नहीं क्या है। अब जो भी है हर डॉक्टर के पास जाते हैं, प्राइवेट वाले तो बोलेंगे हड्डी बड़ी हुई है, मांस बड़ा हुआ है, लेकिन जब गवर्नमेंट जब में जाते हैं तो फिर वो ऐसा बोलते हैं, पता नहीं क्या है अभी तो। लेकिन उन्होंने, मैंने बोला फिर 15 दिन का कोर्स कर लो, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। अगर फर्क पड़ता है तो ठीक है। मेरा थोड़ा सा गला ऐसा लग रहा है। और बाकी दादी अभी सो रही है दूसरे कमरे में, दादी ने बस दोपहर का टाइम हो गया है, अभी हमारा लंच वगैरह हो गया है सब, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।